और वहीं हाथरस गैंगरेप कांड को लेकर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। पीड़ित परिवार ने कोर्ट के सामने तीन मांगों को रखा है। हाथरस कांड से जुड़े तमाम सवालों पर कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पीड़ित परिवार समेत यूपी सरकार के अफसरों से तमाम मुद्दों पर सवाल किए। कोर्ट ने यूपी के डीजीपी, अपर मुख्य सचिव और हाथरस जिला प्रशासन के अफसरों को तलब करने के साथ साथ हाई कोर्ट ने पीड़िता के परिवार के सभी 5 सदस्यों को भी बुलाया था। कोर्ट के सामने परिवार ने 3 मांगे रखी है। केस को यूपी के बाहर ट्रांसफर करने की मांग, जाँच पूरी होने तक तथ्य गोपनीय रखे जाए, पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अदालत ने 2 नवम्बर को सभी को फिर से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।